थैंक यू। एक बार आप सबको और हमारी प्यारी मैनेजमेंट को सी झुका के दिल से गुड एमसी। गुड एमसी। दोस्तों, नाम कुमार कामरा। आज से लगभग 9.5 साल पहले ये सफर शुरू किया था। इससे पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। सेटिस्फेक्शन नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, और नौकरी करने वाला हर आदमी एक डायलॉग जो है वो रोज यूज करता है कि आप कब तक करेंगे, कब तक करेंगे। ये बात तो हमेशा कहता है लेकिन निर्णय नहीं लेता। और मैंने 6 दिसंबर 2012 को निर्णय लिया, नौकरी छोड़ी और आईएमसी को फुल टाइम ज्वाइन किया। यहां पर बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, जो कोहिनूर बन सकते हैं, लेकिन निर्णय नहीं ले रहे। निर्णय लेने का मतलब सिर्फ ज्वाइन करना नहीं होता, निर्णय लेने का मतलब होता है काम करना। अशोक सर ने कहा कि तुम मुझे 3 साल दो, मैं तुम्हें चेयरमैन क्राउन प्रेसिडेंट बनाऊंगा, और मैं 3 साल में क्राउन प्रेसिडेंट बना। उसी दौरान एक और भाई ने मेरे साथ ज्वाइन किया था, 3 साल में सुपरस्टार बना, और सर को आगे कहता कि सर आपने तो कहा था मैं चेयरमैन क्राउन प्रेसिडेंट बनाऊंगा, मैं तो चेयरमैन ही, मैं तो सुपरस्टार ही बना। तो सर ने कहा कि मैंने 3 साल काम करने को कहा था। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुझे 5 साल हो गए काम करते हुए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 3 साल हो गए। मेरे दोस्त, ज्वाइन किए हुए 5 साल हुए आपको, उनमें से कितने दिन काम किया आपने ये आपको पता है? कामयाबी चाहिए ना तो दो चीजों का ध्यान रखना। पहली चीज, ये जो आईडी है ये मात्र एक आईडी नहीं है, ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आपने करी, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने करी है, लेकिन ये बिजनेस आपका है जिसमें से आपने लाखों करोड़ों कमाने हैं, और इसकी जिम्मेदारी लेना शुरू करो। ये बिजनेस आपका है तो बिजनेसमैन की जिम्मेदारी होती है किसी पड़ोसी की या किसी अपलाइन की? किसकी जिम्मेदारी है? बिजनेस मेरा है कि जिम्मेदारी मेरी है, ना कि कंपनी की और ना कि मेरे अपलाइन की। ये काम मेरा है, मैं करूंगा। और दूसरा, धुन सवार होनी चाहिए काम करने की। एक बच्चे को वीडियो गेम लेके दोगे ना, उसमें उसको धुन सवार हो जाती है कि मुझे वीडियो गेम चलानी है, मैं फटाफट स्कूल जाऊंगा, सुबह स्कूल से वापस आऊंगा और आके वीडियो गेम चलाऊंगा। एक आदमी नया स्कूटर मोटरसाइकिल कार लेता, उसमें धुन सवार होती है कि मैं कब जाके कार में बैठूं, उसको चलाऊं। और आजकल के लोगों में धुन सवार होती है कि मैं कब वो अपनी नेटफ्लिक्स पे सीरीज शुरू करके उसको खत्म करने जाऊं। वो वाली धुन चाहिए, वो वाली धुन चाहिए कि मेरी रात तक खत्म होगी, मैं सुबह उठूंगा और काम करने जाऊंगा, जाके लोगों को बैंक दूंगा। मेरा एक दिन खाली निकलता था तो मुझे अपने आप पे गुस्सा आना शुरू हो जाता था कि आज का दिन खाली क्यों निकल गया। और यहां पे देखता हूं 4-4 महीने 3-3 महीने निकल जाते हैं, हम लोग नहीं ज्वाइनिंग ही नहीं लगाते। एक एक दिन कीमती है, एक एक समय कीमती है। आखिर में आपसे ये पूछा जाएगा कि तेरे को कितना समय हो गया काम करते हो, कितना कमाया, ये नहीं बताने का मौका मिलेगा कि सर 5 साल ज्वाइन किया जिसमें से 2 साल से मैं काम नहीं किया। कोई नहीं पूछेगा आपको। आज आईएमसी में काम करते मुझे 9.5 साल हो गए। डस्टर ली, फॉर्च्यूनर ली, मर्सिडीज ली, हैरियर ली, अभी एक और गाड़ी लेने जा रहा हूं। 12 कंट्रियां घुमा दी आईएमसी ने, लगभग 17 करोड़ से ऊपर कमा चुका हूं। ऐसे ही अंदर ये काम करना पड़ता है, फील्ड में जाके हर तरह की परिस्थिति में काम करना पड़ता है।
में निर्णय लेना आसान होता है? एक 70-80 हजार में कमाने वाला व्यक्ति जब फुल टाइम एमसी करने लग जाए तो लोग क्या कहते हैं? बादल। खुद की बीवी भी शक करने लग जाती है। आसान नहीं था वो, जब शाम को पता नहीं रोटी कहां से खाऊंगा, जेल में पैसे नहीं थे। पहले महीने का मिला 73 रुपया आएगा। इन लॉज वाले कहने लगे थे लड़का ढूंढने में जल्दी कर ली हमने, इसकी नौकरी देख के लड़की दी थी, नौकरी छोड़ के चला गया। ये एक नालायक बेटा बन गया था मैं, मेरा बच्चा हुआ था नालायक पिता बन गया था, नालायक भाई बन गया था मैं। लेकिन मुझे अपने पे विश्वास था। क्या आप लोगों को विश्वास है कि आप फिर भी बन सकते हो? तो ऐसी की तैसी उस आदमी की जो आके आपको डीमोरलाइज करता है। विश्वास रखना, विश्वास रखना आप बनोगे। मैं हर तरफ से अपना लाइफ बन गया था लेकिन मैं रुका नहीं। बोल दो लाइने मत करवा कर उनकी जो आगे कहता ना ताने मिले थे, नलायक बाप नलायक भाई नलायक बेटा बन गया था। मत करवा कर उनकी जो आगे कहता ना जो जाएंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। क्राउन प्रेजेंट बना, बड़ी गाड़ी आई, 10 लाख से ऊपर का पे उठाना शुरू हो गया भाई साहब। अब वो इलाज वाले बोलते थे कि ऐसा दामाद ऊपर वाला सबको दे। माँ बाप बोलने लगे कि ऐसा बेटा ऊपर वाला सबको दे। बेटा बोलने लगे कि मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा, और मेरी बीवी छोड़ो मेरी कॉलोनी की सारी औरतें बोलने लगी कि ऐसा पति ऊपर वाला। एक आखिरी आधा मिनट विश्वास, विश्वास और एक चरित्र, एक चरित्रिक विश्वास जब आदमी का बिजनेस डाउन जाता है ना उसमें परखा जाता है। एक आदमी का चरित्र जब उसका बिजनेस डाउन जाता है तो उसमें परखा जाता है। जब बिजनेस बढ़ रहा होता है तो सब चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन जब बिजनेस डाउन जाता है तो वही अपलाइन वही कंपनी वही सब चीजें बुरी हो जाती है। ये विश्वास बनाए रखना, ये व्यापार है। हम लोग भी ऊपर लेके जाते हैं, नीचे जाता है, चलता रहता है। एक जहाज के अंदर, एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा उसके बाद मैं अभी, एक जहाज के अंदर टर्बुलेंस हो गई। कितने लोग हैं जिन्होंने जहाज में सफर किया? काफी लोग। देखो सब लोग हैं नीचे वाले, आप सब लोग भी इस बार चेयरमैन मेंटेन करो, कंपनी आपको फ्री में बैंकॉक घुमा के लेके आएगी। क्या बात है, टर्बुलेंस समझते हैं? टर्बुलेंस जब मौसम खराब हो जाता है तो एकदम से ऊपर नीचे जहाज होना शुरू हो जाता है। मेरे साथ भी कई बार हुआ, आपके साथ भी होगा, तो उस समय डर लगता है कि यार हम तो गए। बहुत सारे लोग जहाज के अंदर जब टर्बुलेंस हुई तो बहुत सारे लोग डर गए। कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई पायलट को गालियां दे रहा है कि इसको चलाना नहीं आता, कोई किस्मत को दोष दे रहा है, कोई ऊपर वाले को दोष दे रहा है कि तुझे ये क्या कर दिया, अभी तो मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। लेकिन उसी जहाज के अंदर एक छोटी सी बेटी बैठी हुई है साइड में, बड़ी खुश खेल रही है, मस्ती कर रही है। और थोड़ी देर में क्या हुआ, 10-15 मिनट के बाद जहाज नॉर्मल हो गया और जाके लैंड कर गया। एक व्यक्ति ने जाके उस बच्ची से पूछा कि बेटा इतनी बुरी कंडीशन थी, हम सब लोग सोच रहे थे कि मर जाएंगे, और आप इतने प्यार से कैसे खेल रहे थे, इतने मस्त कैसे आप इंजॉय कर रहे थे? तो वो बच्ची बोली कि ये जो जहाज चला रहे हैं ना, ये मेरे पिताजी हैं। और मुझे विश्वास है कि ये मुझे हर समस्या में से निकाल के ले जाएंगे। ऐसा विश्वास चाहिए, ऐसा विश्वास चाहिए अपने सिस्टम के ऊपर। अगर ऐसा विश्वास नहीं है, थोड़ी सी टर्बुलेंस आई और हम लोग घबरा जाते हैं, अपनी कंपनी सिस्टम किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं, तो भाई साहब आप अपनी किस्मत के खुद ही जिम्मेदार हो। तो दोस्तों समय कम है, बोलने को बहुत कुछ था। थैंक यू सो वेरी मच। मैनेजमेंट के लिए एक बार जोरदार तालियां। अजय मान जी, बहुत ही